सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टिकटॉक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको अपने टिकटॉक अकाउंट से कोई वीडियो रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करनी है, और यहाँ पर दोस्तों आपको बॉटम राइट साइड में ये प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी सभी वीडियो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब जिस वीडियो को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको आपको टैप करके इस तरह से ओपन करना है। जैसे वीडियो ओपन होगी तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं ये 3 डॉट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों कुछ ऑप्शन आएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको वीडियो डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं ये नीचे की तरफ जो ऑप्शन आ रहे हैं, इस तरह से आपको उन्हें राइट स्वैप करना है। जैसे दोस्तों स्वैप करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो डिलीट करने के लिए आपको सिंपली इस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी वीडियो रिमूव हो जाएगी। सो गाइस, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि टिकटॉक अकाउंट से कोई भी वीडियो को रिमूव कैसे करते हैं। और अब मान लीजिए दोस्तों आपको अपने टिकटॉक अकाउंट को ही डिलीट करना हो, तो इसके लिए आपको सिंपली अपने प्रोफाइल में आना है, और यहाँ पर दोस्तों टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं मैनेज माई अकाउंट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये बॉटम साइड में देख सकते हैं इस ऑप्शन को, थिंकिंग अबाउट रिमूविंग योर अकाउंट, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस में आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेंड कोड के इस बटन पर क्लिक करके सबसे पहले तो कोड मंगवा लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पर एक कोड आएगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे कि दोस्तों मुझे एक कोड रिसीव हुआ है, तो मैं उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। इस तरह से आपको भी जो कोड रिसीव होगा आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू के इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट इंटरफेस में ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने एक बार अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया तो आप दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आपने कोई परचेजिंग की होगी वो आपको रिफंड नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट के इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से ये आपकी कंफर्मेशन लेगा। तो यहाँ पर आपको डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका अकाउंट 30 डेज के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा, और दोस्तों वो पब्लिक को भी शो नहीं होगा, और 30 डेज के बाद दोस्तों परमानेंटली आपका टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टिकटॉक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि टिकटॉक पर किसी वीडियो या फिर टिकटॉक अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।